Himalayas, it reviving again after the winter. The huge deposited snow is melting and awaiting for humans' footprint. The old wildlife and colorful flora and fauna is reviving again beneath the frozen ground. Everything is waking up because of winter steep frost in the pleasant summer sun. The weather is becoming pleasant, less chilly than it had been in winter with the balm of summer breeze. And life is beginning all over again with the summer. Now the time comes for an Himalayan shepherd to start their journey to the unknown with their sheep flocks for next 6 months. To find the green meadows, the travels miles to miles, the lives in natural caves and beneath the trees during their travel. A shepherd is a real mountain guide of unknown Himalayas. आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंदन सिंह है। आपका गांव? गंगी ग्राम। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम भेड़ बकरी के साथ रहते हैं। कितना बकरी रहता है? 400-500 हजार तक भी भेड़ बकरी की। सब लोगों की रहती ना ये। कुत्ते कुत्ते कितना रहता है? 5-6 कुत्ते रहती। अच्छा, ये लेपर्ड ने भेड़ बकरी ले जाते नहीं? नहीं नहीं, भेड़ बकरी की रक्षा करता है। अच्छा। बहुत अच्छी रक्षा करती। अच्छा। बहुत ड्यूटी देती, बहुत अच्छा ड्यूटी करती। वो बाघ शेर उसको आना नहीं देती। अच्छा। बहुत अच्छा है कुत्ता हमारे पहाड़ में। अच्छा। ऐसा कुत्ता कहीं भी नहीं है जैसा गंगी में। बकरी वालों का रहता है ये, जो उधर उधर काशी वालों का, हर जगह वालों का। हमारी बहुत सुविधा है यहाँ, अच्छी पहाड़ देखने के लिए। खतलेंग खतलेंग घाटी है के ये है शास्त्रु ताल, भीम ताल, बहुत अच्छा है देखने के लिए। अच्छा, तो आपके पास क्या क्या जड़ी बूटी है? जड़ी बूटी थोड़ा दिखाइए ना। जड़ी बूटी तो ये करो, ये है जैसे जड़ी बूटी है वो तो साहब, जैसे चोरा होता है। अच्छा। जो सब्जी के काम आता है, कड़ी का काम आता है। थोड़ा दिखाओ ना, फराना है, थोड़ा दिखाओ कैमरा में। ये देख दी, ये है जड़ी बूटी, चोरा पहाड़ में मिलता है। हाँ, पहाड़ में मिलता है, चोरा चोरा है, चोरा है। और जड़ी बूटी भी जब आएगा तब बताएंगे हम आपको। जो शुगर का काम करता है, कड़ोई, कड़ोई एक 30 होता है, 30 जो सिर दर्द, पेट दर्द, जैसे गैस्ट्रिक उसको खत्म करता है। वो नीचे भी बिकती है पहाड़ में, वो अच्छी दवा है। खाली जड़ी बूटी खाने से हो जाएगा? बनाना पड़ेगा किस चीज से? ऐसा ना साहब, वो एक ऐसा है, हर 52 बूटी की जड़ी को बनाना पड़ता है। इस जंगल में क्या क्या जंगली जानवर रहता है? थारती, जड़ाव रती, शेर रती। जड़ाव कहा जाए जैसे बारह सिंह होता है, बारह सिंह होता है, हिरन, और एक थार होता है, थार जुल्लड़ होता है, काखड़ होता है, नीचे नीचे आप लोगों को दिखता है वो शेर होता है। हमको देखा नहीं। शेर दिखा आपने? भालू देखा है हमने, बहुत शेर दिखा है जंगल में सब चीज। अच्छा, कहाँ पे दिखा है सर? ऊपर देखा हम पहाड़। अच्छा अच्छा, ऊपर ऊपर रहता है। एक लाल भालू होता है, एक काला भालू, दो रंग का होता है। भालू कैसा होता है? बहुत बड़ा पंजा रहता है, बहुत बड़ा होता है। अटक करता है आदमी को वो तो। आपको जैसे वो आप ये मसूरी ताल जाएंगे ना, तो मसूरी ताल का जहाँ पर ग्लेशियर शुरू होता है वहाँ पर उसका वो देखना है छापा, उधर जाता है वो, बर्फ में रहता है पड़ा। वो आदमी को अटक करता है? नहीं, आदमी नहीं करता, डरता है। अच्छा अच्छा, जैसे भालू तुम आदमी यहाँ पर होगे तो भालू वहाँ से साइड लग जाएगा। मैं ना दिन ये इसको मेरे को नहीं देता, हंस रहा है इसको दे दो ये। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया रहेगा। धन्यवाद, आपकी जो यात्रा सफल हो। बस ठीक है, थैंक यू। फिर आ जाना, बहुत बड़ी पार्टी लाना आराम जाएंगे आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू। चलो जितने आदमी भी आएगा ठीक है, गंगी सी गाड़ी में आ जाना। पूरा ये क्या पेड़ का नाम है, किस पेड़ का नाम क्या है, क्या जड़ी का नाम है, क्या घास का नाम है, क्या कौन सा बुग्याल है, कौन सा पहाड़ है, हैं? यहाँ तो ऊपर जाओ चौकी बुग्याल, जोगनी पहाड़ है, और वो है थले सागर। बहुत जगह है, बहुत अच्छी बुग्याल है। ओके ठीक है, थैंक यू। तो आप जाइए, ठीक है, आपका यात्रा शुभ हो, तुम्हारी यात्रा सफल हो जाएगी। बस आराम से जाओ, बस